मेरा विश्वास कहता है तुम दो हाथ से तो जल चढ़ाओगे कुबेर भंडारी को, वो हजार हाथ से भरकर भेज देगा कुबेर भंडारी। तुम तो केवल चार घंटा दोगे, सुबह 10 बजे आओगे ना, 2-3 बजे घर चले जाओगे वापस, पर वो 4 घंटे में तुम्हें कितना दे देगा वो जान सकता। तुम एक लोटा पानी मंदिर में जाकर चढ़ाती हो, वो कितना दे रहा है? कोरोना महामारी के समय पर कितने महीने दुकान बंद रही, कितने महीने व्यापार बंद रहा, कितने महीने काम धंधा बंद रहा, पर तुम उस समय पर शिव महापुराण की कथा में इतनी रम गई थी कि तुम्हारे घर का गुजारा बिना कमाए वो करते जा रहा था और तुम्हें मालूम ही नहीं कर पा रहा। गवर्नमेंट नौकरी करने वालों की तो तनख्वाह आ रही थी, पर जिसके पास में नौकरी नहीं थी, जो ठेला चढ़ाता है, जो सब्जियां बेचता है, जो इधर उधर जाता है, नौकरी करता है, बेचकर अपनी जिंदगी जीता है, उसका गुजारा करा तो करा किसने? किसी दूसरे ने नहीं करा, वो देवाधिदेव महादेव ने करने के लिए, कोई दूसरा नहीं आ सकता। मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुमको सिखाया कि रोटी कमाते कैसे हैं, जीवन जीते कैसे हैं और जीवन में आगे बढ़ते कैसे। कोई भूखा व्यक्ति तुम्हारे यहाँ पर आता है, तुम उसको रोटी खिला देते हो, खिलाते हो, अरे बोलो तो जम के खिला देते। किसी ने कहा ये बहुत धर्मात्मा है, इसके यहां जब भी कोई भूखा व्यक्ति आता है ना तो ये रोटी खिला देते हैं। किसी भूखे को रोटी देने से ज्यादा धर्म लगता है उसको रोटी कमाने का तरीका सिखाने में। रोटी तुम कितने दिन दोगे? 15 दिन 20 दिन उसको जिंदगी निकालना है तो भूखे व्यक्ति को रोटी दो मना नहीं है, पर उसको रोटी कमाने का तरीका भी सिखा। शिव महापुराण ने, शंकर भगवान की कथा ने एक बात हमेशा कही है और आज फिर कहते हैं, छोटे से छोटा काम करना, भले झाड़ू लगा लेना, पोछा लगा। इसलिए तुमसे कहते हैं कि शंकर के मंदिर में जाओ झाड़ू लगा, शंकर के मंदिर में जाओ पोछा लगा, शंकर के मंदिर में जाओ निर्माल्य उठा। क्यों? जब हम भगवान के मंदिर में अपना अहंकार छोड़कर भगवान के मंदिर में चाकरी करना प्रारंभ कर देते हैं तो छोटे से छोटा काम भी अगर हमने करना चालू कर दिया तो एक दिन महादेव हाथ पकड़कर बड़ा काम तक पहुंचा देगा। करो तो, कर्म प्रधान है, वो तुम्हें करना पड़ेगा। अच्छा कर्म करो पर विकार ना।